शांति इस सृष्टि ड्रामा के अंदर आप हम सभी पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माओं का यह श्रेष्ठ भाग्य है जो स्वयं भाग्य विधाता की पालना में पालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कोटो में कोई कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को ही प्राप्त होता है भाग्य विधाता आप हम शबे के ज्ञान रत्नों से गुणों से शक्तियों से विशेषताओं से हर रोज पालना कर रहे हैं हमारा श्रृंगार करते हैं हमें भिन्न भिन्न शिक्षाओं से अवगत कराते हैं हम सभी के जीवन में कई प्रकार के बदलाव आते हैं साथ साथ कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी कमी कमजोरियां होती हैं स्वभाव संस्कार के रूप में जो हमारे इस पुरुषार्थी जीवन में इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने में व्यवधान पैदा करते हैं उनको निकालने के लिए भी बाबा हमें भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं क्योंकि हम सभी के जीवन में परिवर्तन तो आया हुआ है लेकिन बाबा का लक्ष्य है कि हम सभी का जीवन परफेक्ट बने एकदम कंप्लीट बने क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे तो हर एक बाप की इच्छा होती है तमन्ना होती है कि बच्चे मेरे जैसा बने या मेरे से भी श्रेष्ठ बने इसलिए बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न रूपों से शिक्षाएं देते हैं और उन शिक्षाओं को देने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि संसार में कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं उदाहरण होते हैं बाबा उनको आगे रख करके हम बच्चों को सावधान करते हैं तो शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो उनके माध्यम से बाबा हमें शिक्षा देते हैं तो हमें बुरा भी नहीं लगता है क्योंकि जो भी बातें उनके जीवन में होती हैं वो सभी बातें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी होती हैं लेकिन बाबा यदि डायरेक्ट हमको कहें कि आप ऐसे हो तो फिर हमको वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा इसलिए बाबा हमें युक्ति से समझाते हैं और उससे हमें मुक्त करते हैं तो आज का विषय है धुंधुकारी संसार में जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो कोई नटखट काम करते हैं किसी का कान पकड़ते हैं किसी की नाक में उंगली डालते हैं तो उस समय खुश होते हैं लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और उस समय यदि जी हरकत करता है तो क्या लोग कहते हैं ये बच्चा जैसे कि धुंधुकारी है क्योंकि उस समय उसको वो नहीं सौंपता है तो जीवन में कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो नहीं होनी चाहिए जो हमारे स्वयं के लिए नुकसान कारक होती हैं परिवार के लिए समाज के लिए संसार के लिए लेकिन हम फिर भी उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में करते रहते हैं तो जो ऐसी एक्टिविटी करते हैं संसार के लोग उनको धुंधकारी कहते हैं तो बाबा एक धुंधकारी का एग्जाम्पल देते हैं शास्त्रों के अनुसार पुराणों के अनुसार दक्षिण भारत में एक नगर में एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक शहर जहाँ पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है ब्राह्मण बहुत समझदार सेंसिबल है भगवान का भक्त है साधना करना तपस्या करना वेद पाठ करना यज्ञ जब तप करना यात्राएं करना ये उसके जीवन का एक स्वाभाविक कार्य है जीवन शैली है और धन से भी संपन्न लेकिन उसके जो पत्नी है उस पत्नी का नाम है धुंधली जिसका स्वभाव जिसके संस्कार पति से बिल्कुल विपरीत वो झगड़ालू स्वभाव की है पति के घर से बाहर जाने के बाद सारे नगर में घूमना फिरना प्रपंच करना दूसरों के सामने जा चुगली करना यहाँ की बातें वहाँ वहाँ की बातें यहाँ फैलाना लड़ाई झगड़ा करना खाओ पियो मौज करो इस सिद्धांत को लेकर के जीवन में चलना तो उसके जीवन में ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी है नेगेटिविटी होती है जिसको लेकर के वो अपना जीवन जी रही होती है उन दोनों के शादी हुए कई वर्ष बीत जाते हैं उन्हें कोई संतान नहीं होती है भगवान के भक्त होने के बाद भी उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई उन्होंने अपने घर पर एक गौ माता को पाला हुआ उसकी पालना करते लेकिन दुर्भाग्य से उस गाय को भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ वो अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो तुलसी का पौधा भी कुछ समय के बाद मर जाता है तो उनके यहाँ ऐसी स्थिति थी और इन सब बातों को देखते हुए जो उनके पड़ोसी होते हैं मोहल्ले वाले लोग होते हैं समाज के लोग होते हैं उस नगर के लोग होते हैं उनके मन में ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं कि शायद ये परिवार ये युगल दुर्भाग्यशाली है अशुभ है उनके मन में ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं और वो आहिस्ते आहिस्ते उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको अशुभ समझते हैं संसार में ऐसी मान्यता है कि जो अशुभ होते हैं उनसे लोग दूरी बना रखते हैं तो इनसे भी दूरी बना रखना उन्होंने शुरू किया जब आत्मदेव को ये एहसास हुआ कि समाज के लोग हमारे से दूरी बना बनाना शुरू किया उन्होंने हमारे प्रति उनकी ऐसी दुर्भावना है कि ये अशुभ है तो उनके मन में अपने प्रति गिलाने का भाव पैदा होने लगा और वो सोचने लगे कि इन सब बातों से हमें कैसे मुक्ति मिले जबकि उनके पास धन का कोई अभाव नहीं था धन से संपन्न थे लेकिन पुत्र प्राप्ति न होने के कारण वो दुखी रहने लगे और ऐसा करते करते एक दिन उनके मन में ख्याल आया क्योंकि क्यों संसार के ऐसे दुर्भा दुर्व्यवहार से बचने के लिए अपने जीवन की लीला को समाप्त ही कर दें आत्महत्या कर लें तो ऐसी बातें अपने मन में लेकर घर से निकल जाते हैं और नदी के किनारे ये प्रयास करते हैं कि अपने जीवन लीला को समाप्त कर दें तो उसी समय वहाँ कोई एक संत महात्मा सिद्ध पुरुष वहाँ विचरण कर रहे होते हैं जब उन्होंने देखा कि कोई एक अज्ञात व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है तो वो उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आप ऐसा करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं कौन हैं आपके जीवन में ऐसी कौन सी समस्या है कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण आप ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं तो आत्मदेव ने अपनी सारी कथा सुनाई सारी व्यथा सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे पास के नगर का रहने वाला व्यक्ति हूँ मेरा नाम आत्मदेव है मेरी शादी को हुए कई वर्ष हो चुके हैं लेकिन मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है इस कारण से मैं आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा हूँ तो महात्मा जी ने कहा कि पुत्र की प्राप्ति न होना या होना ये तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है या भाग्य पर निर्भर करता है महात्मा जी ने उसके मस्तक को देखा और उसको बताया कि आपके भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं लिखी है एक जन्म तो क्या सात जन्म तक भी आपको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी जब उसने ऐसा सुना तो उसको और भी बुरा लगा तो उसने सोचा कि अगर ऐसा है तो इससे अच्छा है कि अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया जाए तो जब वो अपने इस बात पर अडिग था कि मुझे अभी अपने जीवन को समाप्त कर देना है तो महात्मा जी बोले कि ऐसा करना उचित नहीं है तो उसने कहा महात्मा जी को कि यदि आपके पास ऐसा कोई माध्यम है कोई साधन है कोई तरीका है कोई मंत्र है जिसके माध्यम से हमें पुत्र की प्राप्ति हो तो आप उस मार्ग को हमें सुझाइएगा नहीं तो आप हमें ऐसा करने से मना मत कीजिएगा तो महात्मा जी ने देखा कि ये व्यक्ति नहीं मानेगा तो उन्होंने अपने थैली से अपने बैग से एक फल निकाला उसको अभिमंत्रित किया और उसको वो फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को जाकर खिला देना तो इससे आपको एक गुणवान बच्चा पैदा होगा वो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी तो आत्मदेव बड़ी खुशी खुशी से अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी को धुंधली को वो सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे नदी के तट पर एक महात्मा जी मिले उन महात्मा जी ने मुझे ये फल दिया और कहा कि इस फल को यदि आप स्वीकार करेंगे तो आपको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी धुंधली का स्वभाव ऐसा था कि उसकी इच्छा थी कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं एक मौजों के जीवन है सारा दिन हम नगर में घूमते फिरते रहते हैं जो चाहे वो कर सकते हैं वो करते हैं लेकिन यदि हम ये फल को स्वीकार करेंगे और इससे हमें गर्भ धारण होगा तो उसके बाद हमें कई प्रकार के परहेज करने पड़ेंगे खाने पीने की खाने पीने पर ध्यान रखना पड़ेगा और बच्चे की जो पालना में जो कष्ट होते हैं वो कष्ट को हमें स्वीकार करना पड़ेगा सहन करना पड़ेगा तो धुंधली को ये पसंद नहीं था और धुंधली को इसी कारण से उसके मन में कई प्रकार के संकल्प मन में विचार चलने लगे कि इस समस्या से हम कैसे छूटें ऐसा क्या करें तो वो अपने घर में इसी बन में थी कि जो हमारे सामने वर्तमान समय समस्या है उस समस्या को हम कैसे डील करें क्या करें कि जिससे हम ये फल खाने से बच जाए उसी समय उसकी बहन का घर में प्रवेश होता है आगमन होता है उसकी बहन ने देखा कि हमारी बहन इतनी परेशान है जो सदा खुश रहती थी आज ऐसे परेशान क्यों है तो उसने पूछा कि आप इतना परेशान क्यों हैं ऐसा क्या कारण है कौन सी समस्या है तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है किसी एक महात्मा ने ये फल दिया है और कहा कि आप इस फल को स्वीकार करेंगे इसको खाएंगे तो आपको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी लेकिन मेरा मन है मेरा विचार है कि हम इस फल को स्वीकार ना करें तो अभी हमें क्या करना चाहिए तो जो उसकी दूसरी बहन थी उसके कई सारे बच्चे थे तो उसने कहा कि हमारे पास एक तरीका है और वो ये है कि हमारे पास कई बच्चे हैं और अभी भी हमारे घर में एक बच्चा पल रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो आपको हम दे देंगे और आपके पास जो धन है उसके बदले में मुझे धन दे देना तो धुंधली को ये बात पसंद आई और उसने कहा कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे तो ऐसा कुछ समय बीतने के बाद जब उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को लेकर के वो धुंधली के पास पहुंचती है और उसको बच्चा देती दे देती है और उसके बदले उसने बहुत सारा धन उससे प्राप्त कर लिया धुंधली ने कुछ मास तक ऐसा नाटक किया कि उस वो गर्भवती है अपने पति को समाज को दिखाने की कोशिश की जब बच्चा उसके घर में पहुंच जाता है तो उसने अपने पति देखो कहा कि यह आपके घर में एक सुंदर बच्चा पैदा हुआ है और आप आज से पिता बन गए तो आत्मदेव उस बच्चे को प्राप्त करके बहुत खुश होता है कि भगवान ने उसकी बात सुन ली उसके जीवन में जो समस्या थी जो दुख था जो परेशानी थी उस परेशानी से अब मुक्त हो गया तो आत्मदेव उस समय बहुत खुश था और धुंधली ने क्या किया कि जो उसको फल दिया हुआ था उस फल को उसने वो जो उसके पास गाय थी आत्मदेव के पास जो गाय थी जो गाय भी बांझ थी उस गाय को उसने वो फल खिला दिया तो एक साथ दोनों बच्चे बच्चों का जन्म हुआ धुंधली के पास जो बच्चा था जो उसकी बहन के पास बच्चा था उस समय जब बच्चा वो घर में लेके आती है उसी समय गाय ने भी एक बच्चा पैदा बच्चा दिया तो आत्मदेव उस समय बहुत खुश हुए क्योंकि उसको एक साथ दो बच्चों की प्राप्ति हुई तो गाय से जो बच्चा प्राप्त हुआ था जो पैदा हुआ था उसका आकार तो मनुष्य के जैसा था लेकिन उसके कान गाय के जैसे थे तो जब बच्चों का नामकरण करने का समय आया तो आत्मदेव ने बच्चों का नाम रखने का जब प्रयास जब प्रस्ताव रखा तो धुंधली ने कहा कि जो बच्चा मेरे से पैदा हुआ है उसका नाम मैं रखूंगी क्योंकि मेरा बच्चा है मेरा उस पर अधिकार ज्यादा है तो धुंधली ने उसका नाम रखा धुंधुकारी और जो गाय से बच्चा पैदा हुआ उसका नाम आत्मदेव रखा गोकर्ण तो आत्मदेव के ये दो बच्चे थे एक धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण दोनों बच्चों का स्वभाव दोनों का दोनों की आदतें दोनों का संस्कार दोनों का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट था जो गोकर्ण था वो सरल स्वभाव का था मृदुवासी था मिलनसार था भगवान का भक्त था सबकी सेवा करने वाला था और धुंधुकारी बचपन से ही शरारती स्वभाव का था सबको तंग करना चलते फिरते सबको छेड़ना कुछ कुछ बोल देना या घर से बाहर जब जाता था तो लड़ाई झगड़ा करना किसी का सामान उठा करके लाना किसी के सामान की तोड़ फोड़ करना ये उसका संस्कार था तो धुंधली जो उसकी माँ थी जो संस्कार उसमें थे वो धुंधली उस बच्चे की ऐसी एक्टिविटी देख करके खुश होती थी कि मेरा बच्चा जैसा जैसी मैं हूँ वो मुझ पर गया हुआ है क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं तो बचपन में सब खुश होते हैं कि बच्चे सैतानी करते हैं तो लेकिन वही बच्चा जब आस्ते-आस्ते बड़ा होता गया तो उसकी जो हरकतें और बढ़ती गईं उसकी ऐसी एक, एक्टिविटी बढ़ती गई वो धीरे धीरे चोरी करना डाका डालना जुआ खेलना ये अश्लील गतिविधियों में लिप्त होना ऐसी एक्टिविटी उसकी बढ़ती गई आगे फिर क्या होता है जैसे उसके जीवन आगे बढ़ता है जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसको जब पैसे का अभाव पड़ता था तो वो अपनी माँ से अपने पिता से पैसे मांगते थे तो उनके पास जो संपत्ति थी वो संपत्ति उसने आस्ते आस्ते उनसे लेकर के सब कुछ खत्म कर दिया जब उनके पास धन नहीं रहा जब अपनी माँ से पैसा मांगता था पिता से खर्चे के लिए पैसा मांगता था जब वो मना बोलते थे तो उनको वो पीटता भी था उनकी मारपिटाई भी करता था जब बड़ा जब बच्चा बड़ा हुआ जब उनके सामने जो समस्या आई माँ बाप के सामने तब उन्हें एहसास हुआ कि ये ऐसा बच्चा होने से तो ना होना ही अच्छा था लेकिन बाद में फिर पछताने से होता क्या तो धुंधकारी अपने माँ बाप को भी पीटता था एक दिन उसकी माँ धुंधली इन सब बातों से तंग होकर के दुखी होकर के उसने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली और पिता जो था गोकर्ण ने उसको सलाह दी राय दी कि आप इससे अच्छा है कि घर से बाहर तीर्थों पर जाकर के भगवान की साधना करें तपस्या करें यही आपके लिए अच्छा होगा और गोकर्ण स्वयं सोय, भी घर से बाहर जाकर के अपना कहें जो आध्यात्मिक साधना है वो जा के करने लगा अब धुंधुकारी घर में अकेला था तो अकेले घर में उसका साम्राज्य था वो जो चाहे वो कर सकता था तो घर में अकेले जो उसके सहपाठी थे साथी थे जो उसके जैसे संस्कारों वाले थे स्वभाव वाले थे उनके साथ मिल करके डाका डालना चोरी करना अपराध करना लूटपाट करना हिंसा करना मांस मदरा का खान पान ये सब उसके जीवन में थे और साथ साथ उसने अपने घर में पांच भैसियों को भी रखा हुआ था और उनकी पालना के लिए वो बड़े बड़े ऐसे अनैतिक कार्य करता था जिसका उसे डर भी था कि कहीं एक दिन पकड़े जाएंगे तो बहुत बड़ी सजा भी होगी लेकिन धन के अभाव में उसको ऐसा करना पड़ता था एक दिन उसने राजा के यहाँ राजकोष से बहुत सारा धन चुराया जब उन वैसाओं को मालूम पड़ा कि आज उसने राजा के यहाँ से ये धन चुरा के लाया हुआ है तो उनको भी ये डर हुआ कि अगर राजा के सैनिकों को ये पता मालूम पड़ा पता चला कि चोरी करने वाला कौन है तो इसको तो सजा होगी होगी साथ साथ हम सबको भी सजा होगी उन्होंने क्या प्लान किया कि हम सभी को सजा होने से पहले अच्छा है कि इसको हम मार करके और यहां से भाग जाएं। तो एक रात जब धुंधुकारी अपने घर में सोया हुआ था तो उन पांचों बैसाओं ने मिलकर के उसको रस्सी से बांध दिया और उसको मारने का प्रयत्न किया एक धुंधुकारी उस प्रयास में सफल हो गया उन्होंने फिर क्या किया कि जो आग के अंगारे थे कोयले के जो अंगारे थे गरम गरम और धुंधुकारी के मुख में डाल करके उसको मार दिया धुंधुकारी की जब इस अवस्था में मृत्यु हुई तो उसको उसमें बहुत दुख हुआ कष्ट हुआ और उसी अवस्था में वो आत्मा शरीर से बाहर निकल करके यहाँ भटकती रही उन पांचों व्यवसयाओं ने उसके शरीर को उसकी डेड बॉडी को उसी आंगन में दफना करके और वहाँ से वो सारा सामान ले करके डफू चक्कर हो गई जब उसके भाई गोकर्ण को ये समाचार मिला कि ऐसे ऐसे उसके भाई की मृत्यु हो गई तो उसने उसकी आत्मा को मुक्ति के लिए जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सभी किए और बाद में वो घर पर आता है जब घर पर आता है तो घर की कुछ ऐसी एक्टिविटी उसको दिखाई देती है जो पहले कभी नहीं थी तो उसको एहसास होता है कि हाँ कुछ तो ऐसा है कोई ऐसी आत्मा है कोई प्रेत आत्मा है जो ये ऐसी घटनाएं ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं एक रात जब गोकर्ण घर में सोया हुआ था तभी वो धुंधकारी प्रकट होता है और गोकर्ण को कहता है कि मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं और मैं वर्तमान समय बहुत परेशान हूं दुखी हूं मुझे इससे मुक्ति दिलाओ गोकर्ण ने कहा कि मैंने आपके लिए बहुत सारे क्रियाकलाप किए जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो धुंधुकारी ने कहा कि वो पर्याप्त नहीं था हमें आपको उसके लिए कुछ और कुछ करना पड़ेगा तो गोकर्ण ने फिर गांव के और जो मुख्य सदस्य थे उनसे राय लेकर के उनसे राय सलाह की कि इसके मुक्ति के लिए और क्या प्रयास किया जाए तो फिर बाकी सब ने सजेस्ट किया कि सूर्य भगवान से प्रार्थना की जाए और वो जो मार्ग बताएंगे उसके माध्यम से जो आप क्रियाकलाप करेंगे तो उससे इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी तो गोकर्ण ने सूर्य भगवान की उपासना की उनका आह्वान किया भगवान भास्कर प्रकट हुए उन्होंने उसको राय दी सजेस्ट किया कि आप इसके लिए भागवत कथा कीजिएगा भागवत कथा से ही इसकी मुक्ति होगी तो गोकुरन ने भागवत कथा का आयोजन रखा और स्वयं व्यास बनकर के वो कथा का संचालन किया तो उस समय उसके लिए भी एक गद्दी रखी धुंधुकारी के लिए भी कि उस आत्मा का यहाँ आह्वान किया जाए साथ साथ एक सात गांठ वाला एक बाँस के एक बांस रखा जिसमें उस आत्मा का आह्वान किया जाए जिसमें बैठ करके वो भागवत कथा का श्रमण कर सके और बाद में उसको मुक्ति मिले तो गोकर्ण ने ऐसा ही किया कथा आरंभ हुई धुंधुकारी का आह्वान किया धुंधुकार ने उस बांस के उस बांस में प्रवेश किया और उसके माध्यम से जो वहाँ कथा चलते थे उस कथा का श्रवण किया सात दिन तक कथा चले और प्रतिदिन जब कथा का समापन होता था तो जो सात गांठ वाला बाँस था उसकी एक गांठ उस दिन चटक जाती थी ऐसे सात दिन तक कथा होने के बाद उस बाँस की सातों ही गांठे चटक गई और उसमें से धुंधुकारी जो प्रेत आत्मा के रूप में उसमें विराजमान था वो एक दिव्य स्वरूप में उसमें से प्रकट हुआ और उसको उससे मुक्ति मिली उसी समय एक घटना घटती है कि भगवान के जो दूत थे वो विमान लेकर के वहाँ पहुंचते हैं और धुंधुकारी को वो विमान बिठाकर कर विमान में अपने लोक में ले जाते हैं उस समय सत्संग में जो और बहुत सारे गांव के सदस्य बैठे हुए थे प्रवचन सुनते थे सात दिन तक उन्होंने सभी ने प्रवचन सुना लेकिन उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान प्रावधान नहीं था कि उन सभी को भी भगवान के जो गण थे उनको अपने साथ ले जाएं सभी ने पूछा कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों हुआ जबकि ध्वधकारी इतना दुराचारी था अत्याचारी था पापी था उसमें सारी बुराइयां थी बेकार थे अवगुण थे उसको मुक्ति मिली हम सभी को क्यों नहीं तो गोकुर्ण ने उस समय उनको कहा कि जो ध्वंधकारी था उसने सात दिन तक एकाग्रता के साथ ये कथा का श्रवण किया उसने केवल कथा को सुना ही नहीं उसने उस पर चिंतन किया उसको अमल में लाया उसका स्वरूप बना इसके फल स्वरूप उसको इसकी प्राप्ति हुई है तो ये तो ये थी ध्वंधकार्य की कथा जो शास्त्रों में है तो समाज में ऐसी कथाएं हैं जिससे समाज के लोगों को शिक्षा देने के लिए कि समाज में जो वर्तमान समय बुराइयां हैं अवगुण हैं जिनमें समाज लिप्त होता है उनसे उनको सावधान करते हुए उनके जीवन में कुछ उनके जीवन में अच्छाइयाँ हैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें स्वयं के लिए स्वयं के परिवार के लिए तो समाज के लोगों को जब इस प्रकार की शिक्षाएं कहानियों के माध्यम से दी जाती हैं तो उनको अच्छे लगते हैं और उससे वो प्रेरित भी होते हैं इसलिए संसार में हम सभी देखते हैं जानते हैं कि वर्तमान समय कितने ऐसी जो प्रवचन हैं, वो जगह जगह चलते रहते हैं तो बाबा भी हम सब बच्चों को रोज ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं तो हम सभी के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन तो आते हैं जो मोटे मोटे विकार हैं जो अवगुण हैं जो बुराइयाँ हैं उन पर तो हम सभी विजय प्राप्त कर लेते हैं लेकिन जो छोटे छोटे अवगुण हैं कमी कमजोरियां हैं वो कहीं ना कहीं इस पुरुषार्थी जीवन में इस ब्राह्मण जीवन में वो हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं या तो हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं उन पर हमारा अटेंशन नहीं रहता है या फिर हम उनको निकालने में असफल हो जाते हैं तो इस ब्राह्मण जीवन में जो ऐसी छोटी छोटी कमी कमजोरियां हैं अवगुण हैं संस्कार स्वभाव के रूप में जो हमें इस पुरुषार्थी मार्ग पे आगे बढ़ने में हमारे सामने समस्याएं पैदा करते हैं व्यवधान पैदा करते हैं उनको भी हमें इस जीवन से निकालना जरूरी है क्योंकि हमें सम्पन्नता और संपूर्णता की ओर आगे बढ़ना है क्योंकि हमारा शिक्षक स्वयं भगवान परम शिक्षक है और वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है अनमोल जीवन है ऐसा जीवन सारे कल्प में फिर दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है इसलिए हम सभी को बीसों नाखनों का जोर लगा करके जो भी पुरुषार्थ की विधियां हैं पुरुषार्थ के मेथड हैं उनको अप्लाई करके जो हमारे जीवन में जो हमारे अंदर संस्कार स्वभाव हैं जो गहराई में बैठे हुए जो एक वंश के अंश के रूप में उनको भी हमें समाप्त करना है तो हमें देखना है कि हमारे इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं कौन कौन से संस्कार हैं कौन कौन से स्वभाव हैं जो कभी ना कभी संकल्प विकल्पों के रूप में हमारी भावनाओं के रूप में हमारी दृष्टि के रूप में बोल के रूप में संबंध संपर्क के रूप में बाहर निकलते हैं और दूसरी आत्माओं को दुखी करते हैं क्योंकि धुंधकारी का जो स्वभाव था जो उसका मुख्य लक्ष्य था वो था कि दूसरों को दुख देना दूसरों को तंग करना और दूसरों को दुख देकर जब कोई दुखी होता है तो व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को खुशी होती है तो हम सभी को भी अपने जीवन में देखना है कि धुंधुकारी के जो लक्षण थे वह हम इस ब्राह्मण जीवन में साथ साथ लेकर के तो नहीं चल रहे बाबा कहते हैं कि ये धुंधुकारी दुनिया है। दुनिया का नाम बाबा क्या देते हैं धुंधुकारी है बाबा ने संसार के कई सारे नाम दिए हैं ये कांटों का जंगल है और जंगल में कौन होते हैं जानवर और साथ साथ कांटे तो बाबा उसके माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं कि आप सब भी इस इस जंगल से उस जंगल में थे अर्थात आपके अंदर भी, भी आपके अंदर में भी वो सब बुराइयां थी आप काट, आपके भी कांट आपके अंदर भी वो कांटे थे और वो सारे, सारे कांटे अभी आपके अंदर से निकले नहीं है तो बाबा हमें भिन्न भिन्न विधि के माध्यम से शिक्षा देते हैं तो बाबा के संसार जी धुंधुकारी है और दुनिया में रहने वाले हैं वो सभी कौन है धुंधुकारी है तो जिस धुंधुकारी दुनिया से हम सभी निकल करके आए हैं तो धुंधुकारी के जो कोई ना कोई लक्षण कोई ना कोई सिम्टम्स हम सभी के जीवन में वर्तमान समय भी है नहीं है या नहीं है, है। तो बाबा कहते हैं उस धुंधकारी स्वभाव संस्कारों से आदतों से अपने आप को मुक्त करना है तभी हम अपने उस संपूर्णता के स्वरूप को हासिल कर सकेंगे प्राप्त कर सकेंगे तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो तो धुंधकारी में थी वो हमारे जीवन में वर्तमान समय है मोटे रूप में नहीं है लेकिन मह रूप में है सूक्ष्म रूप में है तो सबसे पहली बात है कुदृष्टि धुंधुकारिक दृष्टि कैसी थी कुदृष्टि तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चों की दृष्टि कैसी होनी चाहिए आत्मिक दृष्टि श्रेष्ठ दृष्टि शुभ दृष्टि पवित्र दृष्टि कल्याणकारी दृष्टि तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को देखना है कि हमारी दृष्टि कैसी है हमारी दृष्टि कुदृष्टि तो नहीं है क्योंकि जब जब कुदृष्टि होगी तो उसका परिणाम क्या होगा जिसके प्रति हमारी दृष्टि कुदृष्टि के रूप में होगी तो उस समय जो हमारे प्रकम्पन निकलते हैं वाइब्रेशंस निकलते हैं उस आत्मा के पास वो प्रकम्पन कैसे पहुंचेंगे नेगेटिव पहुंचेंगे तो एक आत्मा एक पुरुषार्थी आत्मा या सामने वाली आत्मा एक अच्छे लक्ष्य को लेकर के अपने जीवन में चल रही है एक अच्छा पुरुषार्थ करने का उसका लक्ष्य है और पुरुषार्थ कर भी रही है तो यदि हम किसी के प्रति ऐसी कुदृष्टि रखते हैं तो हमारे जो प्रकम्पन जो हमारे वाइब्रेशंस उस आत्मा को पहुंचते हैं तो उस आत्मा की स्थिति भी डगमग होती है हलचल होती है तो उस आत्मा की स्थिति हलचल हुई उसकी स्थिति में हलचल हुई अर्थात उसको कष्ट हुआ उसको दुख हुआ तो इसका फल किसको मिलेगा हमें स्वयं को भी मिलेगा तो बाबा कहते हैं कि आपकी दृष्टि दृष्टि के रूप में नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो विशेष आत्माएं हो संसार के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो संसार के पूर्वज और पूज्य हो तो संसार के सभी आत्माओं के प्रति हमारी दृष्टि शुभ और श्रेष्ठ हो तो पहला लक्षण है धुंधकारी का था वो कुदृष्टि दूसरा वृत्ति सभी आत्माओं के प्रति हमारी वृत्ति नेगेटिव या अशुभ नहीं होनी चाहिए दूसरों की कमी कमजोरियों को देख करके जो हमारी वृत्ति दूसरों के प्रति बनती है और जब हम उनके प्रति उनको उस रूप में देखते हैं तो हमारे से जो प्रकम्पन निकलते हैं वो चारों ओर फैलते हैं इस पुरुषार्थी जीवन में हर एक की हरेक में कई विशेषताएं हैं और कुछ कमजोरियां भी हैं लेकिन दोस्तों की कमी कमजोरियों को देख कर हम अपने मन में उनके प्रति वैसी भावनाएँ वैसी वृत्ति बना लेते हैं तो जब जब हम उनको देखते हैं तो हमारी वृत्ति वो इमर्ज हो जाती है तो जैसे हमारी वो वृत्ति बनती है वैसे हमारे उनसे उनके प्रति वैसे प्रकंपन निकलते हैं वाइब्रेशंस निकलते हैं तो इससे वातावरण भी खराब होता है साथ साथ उस आत्मा के प्रति जो हमारी वृत्ति है और भी मजबूत बनती है और उस आत्मा तक हमारे वो वाइब्रेशंस पहुँचते हैं तो दूसरी बात है हमारी वृत्ति दूसरों के प्रति हमारी वृत्ति श्रेष्ठ हो कल्याणकारी हो तीसरी बात है हमारे संकल्प संकल्प कैसे हो संकल्प समर्थ होने चाहिए श्रेष्ठ होने चाहिए शुभ होने चाहिए कल्याणकारी होने चाहिए लेकिन दूसरों को देखते हुए दूसरों की कमी कमजोरियों को देखकर उनके कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो इस ईश्वरीय जीवन के अनुरूप नहीं है जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी उनके अनुकूल नहीं है तो हमारे संकल्प कैसे चलते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है हम उनके प्रति वैसा सोचते हैं तो जब हम किसी के प्रति ऐसा सोचते हैं तो उससे हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकलती है तो हमारे संकल्प भी ऐसा नहीं होने चाहिए चौथी बात है कि हमारे जो बोल हैं हमारे बोल किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले किसी के दिल को हर्ट करने वाले किसी की अवस्था को डगमग करने वाले नहीं होने चाहिए धुंधकारी के बोल कैसे होंगे तंग करने वाले कटाक्ष करने वाले कटाक्ष वाले दूसरों को दुखी करने वाले गिराने वाले और कष्ट देने वाले अपशब्द तो बाबा कहते हैं कि यदि आपके बोल ऐसे हैं यदि आपकी बाणी ऐसी है कि जिसके द्वारा दूसरी आत्माओं को कष्ट पहुंचता है दूसरे दुखी होते हैं तो उस समय क्या कहा जाएगा कि उस समय हम कौन है देशों कल्याणकारी हैं या धुंध हैं तो उस समय हमें अपने आप को देखना है कि उस समय हमारी स्थिति क्या है या हम कौन है यदि हम उस समय अपने आप को देखेंगे चेक करेंगे तो और स्वीकार करेंगे कि हम धुंध हैं तो अपने को भी हम तो हमें अपने आप पर शर्म आएगी कि हम किसके बच्चे हैं हमें होना क्या चाहिए और हम वर्तमान समय हैं क्या तो हमारे शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए जो जो दूसरों को कष्ट हो दूसरों का दिल हर्ट हो दूसरों का जो पुरुषार्थ है जो स्थिति है वो डगमग हो या धराशाई हो जाए हमारे जो शब्द हैं वो श्रेष्ठ हों कल्याणकारी हों उनके पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने वाले हों सुखदायी हो अगली बात है कर्म क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं उसका सीधा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है यदि हमारे कर्म विकर्म विकर्म के रूप में होते हैं कुकर्म के कर रूप में होते हैं तो उसका असर दूसरों पर डायरेक्ट पड़ता है जो भी हमें देखता है वो तुरंत उससे सीखता है और धुंधुकारी के कर्म कैसे थे सब विकर्म थे दुखदायी थे दुख देने वाले थे दूसरों को तंग करने वाले थे दूसरों के जीवन में समस्या पैदा करने वाले थे चोरी करना ठगी करना निकृष्ट कर्म थे तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चों के ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए आपके आपका एक एक कर्म ऐसा हो जो संसार की आत्माएं देख करके उससे प्रेरणा ले सीखे तो यदि आपके कर्म विकर्म के रूप में बनते हैं कुकर्म बनते हैं या कोई ऐसी गलती होती है जो ईश्वरीय मर्यादाओं के विरुद्ध है तो दूसरी आत्माएं वो भी देखती हैं और उनसे सीखती हैं तो हमारे से कोई ऐसे कोई कर्म कोई विकर्म कोई निकृष्ट कर्म नहीं होने चाहिए यदि होते हैं तो उस समय हमारा स्वरूप धुंधकारी का स्वरूप है अगली बात है अवज्ञाए बाबा ने हम सब बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए आज्ञा दी हुई है शिक्षाएं दी है सुबह से लेकर रात्र रात्रि तक हर कर्म और हर कर्म इंद्र के लिए बाबा की आज्ञाएं हैं बाबा की शिक्षाएं हैं श्रीमत हैं यदि हम उन आज्ञाओं को तोड़ते हैं अवज्ञाकारी बनते हैं तो इससे भी क्या होता है विकर्म बनते हैं कुकर्म बनते हैं और जब हम भगवान के कोई भी आज्ञा का आज्ञा को ब्रेक करते हैं, तो उससे दूसरी आत्माएं भी हैं तो साथ साथ उनसे सीखते भी है। कि यदि ये ऐसी गलती कर रहा है और ये ऐसी गलती कर सकता है और हमने की तो कौन सी बड़ी बात है तो हमें कोई भी भगवान की आज्ञा को ब्रेक नहीं करना है तो यदि अवज्ञाकारी है तो उस समय कहा जाएगा कि हमारी स्थिति उस समय धुंधुकारी की स्थिति है क्योंकि धुंधुकारी की विशेषता क्या थी अवज्ञाकारी वो माँ बाप का अवज्ञाकारी था समाज जो समाज में जो बड़े थे जो उन्हें उसे शिक्षा देते थे वो शिक्षा को स्वीकार नहीं करता था उसके विरुद्ध कार्य करता था तो बाप के जो आज्ञाएं हैं श्रीमत है जो हम बच्चों के लिए आदेश है निर्देश है उसको हमें फॉलो करना है उसको डोंट केयर नहीं करना है यदि डोंट केयर करेंगे तो हम इस ब्राह्मण जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे अगली बात है कितनी बातें हो गई पांच छह बातें हो चुकी और और कौन कौन से ऐसी बातें होंगे कुशंग संग धुंधु कार्य के जीवन में जो इतनी गिरावट आई उसके जीवन में जो आशु संस्कार पैदा हुए स्वभाव पैदा हुआ उसका एक मूल कर्म था कुशंग और सबसे पहला कुशंग उसको किसका था उसकी माँ का क्योंकि जैसे ही उसकी माँ थे जगड़ालो स्वभाव के प्रपंच करने वाले चुगली करने वाले चोरी करने वाले यहाँ की बात वहाँ वहाँ की बात यहाँ फैलाने वाले स्वच्छंद रहने वाले तो उस बच्चे में भी वो संस्कार स्वतः ही पैदा होते गए तो जिन भी आत्माओं के संबंध संपर्क में हम रहते हैं उनका संग भी हमारे पर प्रभाव डालता है तो हमारा संग ऐसा होना चाहिए या हमारा संग ऐसा ना हो जो संसार की आत्माएं जिन विकारों में बुराइयों में जिन व्यसनों में लिप्त हैं, उनका असर उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़े क्योंकि संघ का रंग तो लगता है तो कुसंग ये मानव जीवन को प्रभावित करता है जैसा संग होता है वैसे हमारे जीवन स्वतः ही बनती है संघ का प्रभाव अपने आप पड़ता है उसके लिए कुछ खास करना नहीं पड़ता है हम जैसे वातावरण में रहते हैं जिन लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी जो भी उनकी जीवन शैली होती है उसका हमारे ऊपर प्रभाव वैसा ही पड़ना शुरू हो जाता है जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोगों में ऐसे फिल्मों के जो भी कुछ डायलॉग होते हैं या कुछ ऐसी बातें होते हैं वो आपस में कॉमनली बोलते रहते हैं और उसी यदि संगठन में कोई नया व्यक्ति उसमें जुड़ता है जो वैसी भाषा वैसे शब्दों को पहले उसने कभी प्रयोग में नहीं लाया लाया लेकिन कुछ दिन तक उस संगत में रहने के बाद वो भी उनके जैसा ही बन जाता है तो उसके बोलचाल की भाषा वो वैसी हो जाती है तो संगत का असर व्यक्ति पर तुरंत अपना प्रभाव डालता है जैसे भाषा उनकी होती है वैसी भाषा फिर वो उसके मुख से निकलने लगती है वैसा व्यवहार वैसा दृष्टिकोण तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए कुसंग से बचना है धुंधुकारी तो का एक जो बहुत बड़ा अपगुण था कि उसमें कुसंग था माँ का संग माँ का कुसंग था और उसके साथी जो थे वो भी सब इसी संस्कारों वाले स्वभाव वाले थे इसके कारण उसके जीवन में इतना पतन हुआ और अगली बात है बाहिर मुखी तो जो व्यक्ति बाहर मुखी होता है वो सांसारिक सुख सुख सुविधाओं को अपने जीवन का आधार बनाकर चलता है संसार में जो सुख के साधन हैं उनको एकत्रित करना और उनके माध्यम से सुख का अनुभव करना वो हर एक व्यक्ति सोचता है चाहता है लेकिन जो सच्चा सुख है जो आंतरिक सुख है जिससे आत्मा तृप्त होती है संतुष्ट होती है वो सांसारिक सुखों से नहीं होती है उसका अनुभव करने के लिए जो अंतर्मुखता का सुख है जो अंतर्मुक्ता के माध्यम से जो तपस्या की जाती है जो साधना की जाती है या उसके माध्यम से जो, जो हम चिंतन करते हैं मनन करते हैं उससे जो सुख मिलता है उस सुख की खोज संसार में लोग बाहर बाहर मुक्ता में आकर के करते हैं प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो धुंधुकारी का एक लक्षण था कि वो बाहर मुखी था संसार से साधनों को इकट्ठा करना संसार के लोगों के साथ संबंध स्थापित करना और उसके माध्यम से सुख का अनुभव सुख का अनुभव करना या उसमें सुख को खोजना और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में नहीं होनी चाहिए साधनों का संग्रहण क्योंकि साधनों से अल्पकालीन सुख मिलता है सदाकाल का नहीं और हम सभी का उद्देश्य है सदाकाल के सुख को प्राप्त करना और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो धुंधुकारी में थे वो हम सभी में वर्तमान समय हो सकती हैं जिनसे हमें स्वयं को बचाना है उनसे बाहर निकालना है नहीं पहले कौन कौन सी ऐसी बातें थी उसके जीवन में झूठ बोलना चोरी करना ठगी करना तो हम सभी के जीवन में ऐसी कोई बातें ऐसी कोई आदतें नहीं करना तो हमें उन संस्कारों से मुक्ति है, मुक्ति पानी है अर्थात हमारे अंदर जो तो धुंधुकारी के संस्कार हैं स्वभाव हैं आदतें हैं उसको हमें क्या करना है इस भट्टी का क्या लक्ष्य है उसका संहार करना है क्योंकि जब तक वो आदतें हमारे अंदर हैं तब तक हम अपने उस दिव्य स्वरूप को हासिल नहीं कर सकेंगे जो भगवान हम सब बच्चों का जो स्वरूप चाहता है जो हमारी स्थिति चाहता है जो हम भगवान ने हमें लक्ष्य दिया है हम उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेंगे तो उसके लिए सबसे पहली बात है तो धुंधकारी स्वभाव संस्कारों से मुक्ति पाने के लिए धुंधकारी को उसका संहार करने के लिए सबसे पहली बात है कि इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा पहले चेकिंग करनी पड़ेगी कि हमारे में वो लक्षण हैं और हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें जो हमारे में नहीं होनी चाहिए लेकिन हैं क्योंकि जब तक हम हाँ उनको जानेंगे नहीं तब तक हम उनसे बाहर निकल नहीं सकेंगे तो सबसे पहली बात है कि चेक करना है रियलाइज करना है जब तक हम उसको रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हम उनसे मुक्त नहीं होंगे तो सबसे पहली बात कौन सी है रियलाइजेशन कि हमारे में वो आदत है वो संस्कार है जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए यह तो ध्वंदुकारी का संस्कार है ध्वंदुकारिक संस्कार को हमने अपने जीवन में अडॉप्ट किया है उस संस्कार को हमें अपने जीवन से बाहर निकालना है तो सबसे पहली बात कौन सी है रियलाइजेशन कि हमारे में वो आदत है वो संस्कार है जो नहीं होना चाहिए दूसरी बात है उसको स्वीकार करना कि वो आदत हमारे अंदर है लेकिन उस आदत से हमें कितना नुकसान हुआ है बाबा कहते हैं आपका जो जी ब्राह्मण जीवन अनमोल जीवन है आपके इस ब्राह्मण जीवन का एक एक एक-एक संकल्प अनमोल है आपके इस ब्राह्मण जीवन के जो श्वास है वो अमूल्य है ये वापस लौट करके नहीं आने वाले हैं तो ब्राह्मण जीवन के समय संकल्प श्वास ये तीनों ही अनमोल खजाने और इनको जमा करना है ना कि उनको वेस्ट करना है इनको जमा करने है तो यदि ये इसका अटेंशन होगा इस पर ध्यान होगा तो हम इनको उन बातों में वेस्ट नहीं करेंगे उनसे अपने आप को हम बचाकर रखेंगे तो दूसरी बात है कि जो हमारे अंदर ऐसी आदतें हैं ऐसी बातें हैं उन बातों उन बातों को स्वीकार करना है कि हमारे अंदर हैं यदि हम स्वीकार करेंगे तो उनको हम बाहर निकाल सकेंगे तो पहली बात है रियलाइजेशन और दूसरी बात है एक्सेप्टेंस स्वीकार करना तीसरी बात है पश्चाताप क्योंकि जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक हम उनसे मुक्त नहीं होंगे क्योंकि वो सारी बातें हमारे नॉर्मल जीवन में व्यवहारिक जीवन में चलती रहती हैं हमें उसका एहसास नहीं होता है यदि उसका एहसास होगा और उसको हम यदि पश्चाताप के रूप में लेंगे तो हम अपने आप को उनसे सहज बचा सकेंगे तो हमें उसका पश्चाताप भी होना चाहिए क्योंकि उन बातों ने हमारा समय हमारे संकल्प हमारे श्वास बहुत वेस्ट किया है बर्बाद किया है जो समय हमारे श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए है जिस समय हम श्रेष्ठ साधना के माध्यम से अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकते थे उस समय को हमने उन बातों में वेस्ट करके बर्बाद करके हमने क्या हासिल किया जो हमारी स्थिति वर्तमान समय होनी चाहिए थी वो स्थिति हम उस स्थिति को हमने उसको हम नहीं प्राप्त कर सके तो तीसरी बात है पश्चाताप तो रोज क्या करना है पश्चाताप करना है, कैसे करना है भगवान के आगे जा करके कान पकड़ करके उठा बैठा करनी है कि हम जो गलती करते रहे वो आगे से हम ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे औरों के सामने नहीं करना है भगवान के सामने दोनों कान पकड़ करके उठा बैठा करते रहना है कि हमारे गलतियाँ होती रहें अभी हम आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे तो यदि हम उसका पश्चाताप करेंगे तो हमारे मन में ग्लानी का भाव पैदा होगा कि ये हमारे बहुत बड़ी भूल हुई है और हमें अपने आप को उससे दूर करने में मदद मिलेगी तो तीसरी बात है पश्चाताप करना चौथी बात है एनलाइटनमेंट ज्ञान को बढ़ाना है हमारे से ऐसी गलतियाँ क्यों होती हैं जो गलतियाँ हमारे से नहीं होनी चाहिए हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं पढ़ते हैं दूसरों को सुनाते भी हैं, फिर भी हमारे से गलतियाँ होती हैं तो ऐसी गलतियाँ क्यों होती हैं क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर अंतर मन में वो समाया नहीं है वो ऊपर ऊपर से हमने उसको सुना वो जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन के रूप में हमने उसको सुना उसके हमारे हमारे पास समझ है कि हमारे पास ये इन इन बातों का ज्ञान है लेकिन जब जीवन में समस्याएं आती हैं परिस्थितियाँ आती हैं तो वो ज्ञान उस समय हमारे यूज में नहीं आता है उसमें हम फेल हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं जब तक उस ज्ञान को आप चिंतन के माध्यम से मनन के माध्यम से आत्मसात नहीं करेंगे तब तक आपके प्रैक्टिकल में वो ज्ञान आपके जीवन में प्रैक्टिकल में काम नहीं करेगा तो धुंधुकारी ने क्या किया था धुंधुकारी ने जब वो कथा चल रही थी तो उसने एकाग्रता से बड़ी धैर्यता से उस ज्ञान को सुना उसको चिंतन में लाया अमल में लाया उसको स्वरूप में लाया उसके बाद उसको उस दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई है उस सत्संग में गांव के बहुत सारे लोग और भी आए हुए थे उन्होंने कहा कि धुंधुकारी को ऐसा उसको इससे मुक्ति मिली उसको दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई हम सभी को क्यों नहीं तो गोकर्ण ने क्या कहा था कि धुंधुकारी ने इस ज्ञान को एकाग्रता से सुना उसको उसने अमल में लाया चिंतन में लाया और उसको अपने स्वरूप में लाया इसलिए उसको इस दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई बेशक पास्ट के लाइफ में वो उसके जीवन में बहुत सारी कमी कमजोरियां थी बुराइयां थी प्रेत आत्मा तक बन चुका था लेकिन उस प्रेत आत्मा को भी इस ज्ञान से मुक्ति मिली तो बाबा कहते हैं कि संसार में आप रहते थे और संसार में रह करके आप, आपने जीवन में बहुत सारी बुराइयों को अवगुणों को धारण किया आपका जीवन भी पास्ट में क्या क्या था अवगुणों से भरपूर था तो बाबा कहते हैं कि जो जितना आप इस ज्ञान का चिंतन करेंगे मनन करेंगे उसको आत्मसात करेंगे उसी अनुकूल आपका जीवन परिवर्तन होगा तो धुंधकारी का संहार करने के लिए वो संस्कार उन आदतों को मिटाने के लिए हमें ज्ञान का चिंतन करना है अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश बढ़ाते रहना है क्योंकि तो जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रहेगा तो चौथी बात है प्रकाश को बढ़ाना पांचवी बात है सत्संग हमें सत्संग करते रहना है जैसे वर्तमान समय हम सब यहाँ बैठे हैं सत्संग कर रहे तो इसी प्रकार से हमें सत्संग करते रहना है क्योंकि मन को उसमें बिजी रखना है जितना हम मन को बिजी रखेंगे सत्संग में उतना हमारे अंदर जो संस्कार हैं पुरानी आदतें हैं वो बदलती जाएंगी तो सत्संग में क्या क्या करना है ज्ञान चर्चा करनी है वहाँ बैठना है नई नई बातें सीखनी है सुनानी है सुननी भी हैं उनको अप्लाई करनी है तो सत्संग में हमें उसमें अपने मन को भी बिजी रखना है जैसे घर गर ग्रस्त में रहने वाले हैं परिवार में रहने वाले हैं तो अपने मन बुद्धि से वो मधुबन में पहुंच जाए मधुबन के चार धाम की यात्राएं करें तो ये भी एक सत्संग है जो सच्चा स्थान है श्रेष्ठ स्थान है उस स्थान पर यदि हम अपने मन से पहुंच जाते हैं तो उस समय भी हमारे मन की स्थिति शक्तिशाली बन जाती है श्रेष्ठ बन जाती है पॉजिटिव बन nope, जाती है तो अपने मन बुद्धि से ऐसे श्रेष्ठ स्थानों पर भी बीच बीच में चक्कर लगाने के लिए पहुंच जाएं। सत्संग में दूसरी बात है जो अच्छा साहित्य है जो श्रेष्ठ साहित्य है उसको पढ़ना क्योंकि जब हम कोई एक अच्छा साहित्य पढ़ते हैं किसी के अनुभव को पढ़ता है पढ़ते हैं या तो संसार की आत्माएं भी कैसी ऐसी कई संत महात्माएं है होते हैं उनका जिन्होंने जिनके जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन आया हुआ होता है तो यदि हम उनको पढ़ते हैं तो उनसे भी हमें एक पाठ मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे परिवर्तन किया तो उससे हमें हमारा मन शक्तिशाली बनता है हमें उनसे प्रेरणा मिलती है तो जो भी ऐसे सत्संग वाली बातें हैं उन बातों को हमें अपने जीवन में अप्लाई करते रहना है विशेषताएं देखनी है अगली बात है ट्रांसफॉर्मेशन हमें अपने इस जीवन में बदलाव करते रहना है तो उसमें सबसे पहली बात है दृष्टि का परिवर्तन बाबा ने जीवन को बदलने के लिए हर एक नेगेटिविटी को परिवर्तन करने के लिए एक अच्छी एक विधि दी एक मेथड दिया कि यदि आपकी दृष्टि को बदल बदलना है तो को दृष्टि को कैसे बदलना है उसके लिए बाबा ने मेथड दिया है तो जो भी हमारे इंद्रियां हैं ऑर्गन्स हैं उस हर एक के लिए एक जो मेथड है उस मेथड को हमें अप्लाई करते रहना है तो यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हर एक इंद्रिय को हर एक संस्कार को तो इससे क्या होगा जो हमारे अंदर धुंधुकारी बैठा हुआ है वो तो धुंधुकारी का संहार होगा तो दृष्टि के लिए वृत्ति के लिए संकल्पों के लिए बोल के लिए व्यवहार के लिए संबंध संपर्क के लिए हर एक के लिए बाबा ने हमें जो श्रीमत दी है शिक्षाएं दी हैं यदि हम उसको अप्लाई करते हैं तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें परिवर्तन आएगा और धुंधु कार्य का क्या होगा संहार होगा और हम सबका जो जीवन का लक्ष्य है जो एक उद्देश्य है हम उस उद्देश्य को हासिल करने में उस लक्ष्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे तो इस ब्राह्मण जीवन में जो बाबा ने हमें जो श्रेष्ठ जीवन दिया है एक विशेष जीवन दिया है बाबा कहते हैं आपका जीवन केवल जे जी, आपके तक ही सीमित नहीं है आप संसार की आत्माओं के उद्धार के निमित्त उनके आधार मूर्त हो तो हमें संसार की आत्माओं का भी कल्याण करना है उनके जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश लाना है तो उसके लिए पहले हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना है परिवर्तन लाना है तो हमारे जीवन में जो कमी कमजोरियां हैं संस्कार के रूप में स्वभाव के रूप में आदतों के रूप में उनको हमें बदलना है तो बाबा जो भिन्न भिन्न हमें विधियां बताते हैं साधन देते हैं उनको हम जितना अप्लाई करते रहेंगे तो आस्ते आस्ते धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव आएगा हमारा स्वयं का जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा और संसार के आत्माएं भी हमारे जीवन को देख देख कर उससे शिक्षा लेकर प्रेरणा लेकर वो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएंगे तो आज का जो इस भट्टी का जो टॉपिक था धुंधुकारी हाँ धुंधुकारी का एक स्वभाव था कि वो जुआ खेलता था दुआ जुआ खेलता था मांस मदरा का पान करता था क्योंकि इन सब बातों में जो धन है वो जल्दी बर्बाद हो जाता है और उसके लिए फिर व्यक्ति चोरी करता है डाका डालता है तो ऐसी कोई आदत है? नहीं होनी चाहिए जुआ खेलने की क्योंकि जुआ एक ऐसा ऐसी लत है कि एक बार जिसको बहुत लत लग, लग जाती है वो उससे जल्दी छूटता नहीं है क्योंकि पांडवों का भी उसमें एक उदाहरण है कि पांडवों ने जुआ खेला तो उसने अपना सारा राजभाग गंवा दिया राजभाग ही नहीं उसने द्रौपदी को भी गंवा दिया था अपने अपने बाकी भाइयों को भी हार गए थे तो जुआ एक ऐसी लत है जो किसी के जीवन में नहीं होनी चाहिए हाँ व्यर्थ खर्चा करना चाहिए ब्राह्मणों ब्राह्मण आत्माओं में नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो भी धन है वो सब वर्तमान समय में यूज तो करके उसका खयानत नहीं करनी है ओम शांति